यदि आप हमारे चैनल की खबरों के पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्द ही YouTube में लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, उसके बाद घंटी पर क्लिक करें, आपको पूरी खबरें पूरे वीडियो देखने को मिलेंगे। यह बिल्कुल निशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अभी लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और उसके बाद घंटी पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण परामर्थिक ट्रस्ट और यादव महासभा उज्जैन द्वारा छोटे गोपाल मंदिर से भव्य चल समारोह निकाला गया, जहां बड़ी संख्या में यादव समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हरिफाटक स्थित यादव समाज की धर्मशाला पर समाप्त हुआ। जी हां, यादव समाज के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर यादव समाज द्वारा चल समारोह छोटे गोपाल मंदिर से निकाला गया, जहां बड़ी संख्या में समाज जन के लोग शामिल हुए। चल समारोह के पूर्व भगवान श्री कृष्ण की आरती छोटे गोपाल मंदिर में की गई, तत्पश्चात भगवान को पालकी में विराजित किया गया और चल समारोह की शुरुआत की गई। चल समारोह में हाथी घोड़े बग्गी अखाड़े चल समारोह की शोभा बढ़ाते हुए चल रहे थे। वहीं समाज जनों के नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण के वेश में बग्गी में सवार होकर शामिल हुए। चल समारोह का सभी मार्गों पर भव्य स्वागत किया गया। चल समारोह टावर से मालीपुरा दौलतगंज होते हुए इंदौर गेट से हरि फाटक स्थित यादव समाज की धर्मशाला पहुंचा, जहां पर चल समारोह का समापन हुआ। इस दौरान समाज के नगर अध्यक्ष नारायण यादव, जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, आर आर यादव, हरनाम सिंह यादव, नंद किशोर यादव, अशोक यादव, कैलाश यादव, हरि सिंह यादव, चेतन यादव, संतोष यादव, गोपाल यादव, विवेक यादव, पार्षद शेलू यादव, रोशन यादव, युवा संगठन के शहर अध्यक्ष कालू यादव, जिला अध्यक्ष पवन यादव, राजेश यादव, डॉक्टर निश्चल यादव, राहुल यादव आदि शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में महिला शक्ति भी चल समारोह में शामिल हुई। प्रहलाद यादव के अनुसार समाज का चल समारोह जन्माष्टमी के अवसर पर परंपरागत तरीके से निकाला जाता है। इसी क्रम में आज भी समाज के आराध्य देव की पालकी निकाली गई है और वरिष्ठों सहित महिलाओं और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया है।